नमस्कार दोस्तों। दो जिगरी दोस्त थे, एक का नाम था सचिन और दूसरे का नाम था जिगर। सचिन रिच मेंटालिटी वाला था और जिगर पुअर मेंटालिटी वाला था। दोनों ने पढ़ाई खत्म होते ही कोई बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचा। दोनों ने कपड़े की दुकान शुरू करने का डिसीजन लिया और दोनों ने एक ही शहर में अपने अलग अलग कपड़े बेचने की दुकान शुरू की। एक साल बाद सचिन का बिजनेस बहुत आगे बढ़ा। सचिन की शॉप पूरे शहर में पॉपुलर हो गई थी। गांव-गांव से लोग उसकी शॉप में कपड़े परचेस करने के लिए आते थे। और दूसरी ओर जिगर का बिजनेस कुछ ठीक तरीके से चल नहीं रहा था। बहुत कम लोग जिगर की दुकान में कपड़े लेने आते थे। जिगर मनोमन सोचता था कि सचिन मुझसे भी आगे बढ़ गया और मैं जहाँ था वहाँ ही रह गया, और ऐसा सोच के वो परेशान रहता था। दोस्तों, ऐसा कौन सा रीजन था कि सचिन का बिजनेस इतना आगे बढ़ा और इतना बड़ा हो गया, और दूसरी ओर जिगर का बिजनेस उसने जहाँ से शुरू किया था वहाँ पर ही था? ऐसा क्यों हुआ? उसके बहुत सारे रीजन थे। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आज मैं आपको वो सारे सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जिसका यूज करके सचिन ने अपने बिजनेस में सफलता हासिल की थी। वो सीक्रेट आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको गरीब लोग और अमीर लोग के थिंकिंग प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। अमीर लोग की थिंकिंग क्या होती है जिसका यूज करके वो लोग अमीर ही बनते जाते हैं, और गरीब लोग की थिंकिंग प्रोसेस क्या होती है जिससे वो लोग गरीब ही रहते हैं, वो जानने से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए जिससे हम अमीर बन सके, और क्या हमें नहीं करना चाहिए जो करके हम सिर्फ गरीब ही रहेंगे। अमीर लोग सोचते हैं कि मैं मेरी लाइफ का सृजनहार हूँ, आई क्रिएट माई लाइफ। दूसरी ओर गरीब लोग सोचते हैं कि जिंदगी में जो होता है वो नसीब से ही होता है। वो लोग को फेलियर मिले तो उसका दोष दूसरों पर ही देते हैं। अमीर लोग सोचते हैं कि मनी का अच्छी तरह से यूज करके उनमें से और ज्यादा पैसे कैसे बना पाए वो सोचते हैं, और गरीब लोग पैसों को खोना नहीं चाहते हैं। अमीर लोग बड़ा सोचते हैं और गरीब लोग छोटा सोचते हैं। अमीर लोग का अपने आप से ये कमिटमेंट होता है कि वो अमीर जरूर बनेंगे, और गरीब अमीर बनने का सिर्फ सोचता है पर करता कुछ नहीं। अमीर लोग अपॉर्चुनिटी पर फोकस करते हैं, गरीब लोग ऑब्स्टेकल यानी कि प्रॉब्लम्स या रुकावट पर फोकस करते हैं। अमीर लोग दूसरे अमीर लोगों की प्रशंसा करता है और उसको प्रोत्साहित करता है, और गरीब लोग दूसरों की अमीरी से जलते हैं और बुरा फील करते हैं, गुस्सा और नाराज हो जाते हैं। अमीर लोग सक्सेसफुल और पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, और गरीब लोग नेगेटिव और अनसक्सेसफुल लोगों के साथ ही दोस्ती बनाए रखते हैं। अमीर लोग हर पल अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए और अपनी प्रोडक्ट और वैल्यू को प्रमोट करने के लिए हर पल रेडी होते हैं। गरीब लोग सेलिंग और प्रमोशन के बारे में नेगेटिव सोचते हैं। अमीर लोग अपने पैसों का अच्छी तरह से मैनेजमेंट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और यही पैसों से वो लोग बिजनेस करते हैं, और गरीब लोग अपने पैसों को मौत शोक में उड़ा देता है। अमीर लोग डर मुसीबतों का सामना करते हैं, गरीब लोग डर मुसीबतों से भागते रहते हैं। अमीर लोग हर जगह से हर किसी के पास से कुछ ना कुछ सीखता रहता है, और गरीब लोग सोचता है कि मुझे तो सब कुछ ऑलरेडी पता है। अब आपको सोचना है कि आप ये अमीर और गरीब दोनों के डिफरेंस में से कौन से लोगों के जैसी आपकी थिंकिंग है, सोचिए। अगर आपकी थिंकिंग अमीर लोग की तरह है तो बहुत बढ़िया, उसका मतलब आप सही ट्रैक पर हैं। पर अगर आपकी थिंकिंग गरीब लोग के जैसी है तो सावधान हो जाइए, और जल्द से जल्द ये गरीबों की तरह सोचना छोड़ दीजिए। इस तरह की थिंकिंग से आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे, इसीलिए अमीर लोग जैसी थिंकिंग बनाइए और उनकी तरह काम करें, उससे आप अपनी लाइफ में रिच जरूर बनेंगे। अब मैं आपको चार सीक्रेट बताने वाला हूँ जिसका आपको अपनी लाइफ में यूज करना है। ये सीक्रेट्स आपको रिच बनने में बहुत हेल्पफुल बनेगा। सीक्रेट वन, कंट्रोल योर थॉट्स। जब तक हम हमारे माइंड में चल रहे नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तब तक हम पूर्ण क्षमता से कार्य करने में सक्षम नहीं बन पाएंगे। आप जिस मुकाम तक पहुंचना चाहते हो वो काम अगर आप सीखना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। उसका कारण कोई मैजिक नहीं है, पर आपके प्रॉब्लम के बारे में आप कंप्लेंट करना बंद करते हैं, अपने काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपने एक्शन लिया कुछ करने के लिए, इसीलिए आपके काम में कुछ अच्छा होना शुरू हुआ। एग्जाम्पल, अगर हम चाहते हैं कि हमारी गर्लफ्रेंड हो और दूसरी ओर हम ये सोचते हैं कि मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, तो अगर आप खुद अपने बारे में ऐसा सोचते हो तो आपको कौन पसंद करेगा? इसीलिए बिलीव इन योर सेल्फ, अपने थॉट्स के पावर को समझिए और सोच समझ के अपने थॉट्स को चुनिए। आपकी अभी की सोच ही आपका फ्यूचर है, ये ख्याल रखें। योर थॉट्स लीड टू योर फीलिंग्स, योर फीलिंग लीड्स टू योर एक्शंस, योर एक्शन लीड टू योर रिजल्ट। सीक्रेट टू, एनीथिंग हैपन इन योर लाइफ यू आर रिस्पॉन्सिबल।
आपकी लाइफ में अच्छा और बुरा जो भी होता है वो सब आपके ही लिए गए डिसीजन की वजह से ही होता है। ये हकीकत जितना जल्दी समझ सके समझ जाओ। हमारी लाइफ में कोई भी परेशानी आती है तो दूसरों को ब्लेमिंग करना बंद कर दो। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। सीक्रेट 3, आर यू रेडी टू वर्क हार्ड। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो कीमत पैसे देकर नहीं चुकानी है, पर उसका मूल्य है कमिटमेंट एंड हार्ड वर्क। आपने देखा होगा जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी लाइफ का अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कड़ी मेहनत की और अपने काम में कमिटेड थे। इसी वजह से वो लोग सक्सेसफुल बन पाए। लोगों के साथ गप्पे मारना, घर में टीवी देखना, वो सब आसान है दोस्तों, पर अगर आपको बदलाव और सक्सेस अपनी लाइफ में चाहिए तो आपको टाइम देना होगा, फोकस करना होगा, अपने अंदर अपने गोल को पूरा करने के लिए बर्निंग डिजायर होना चाहिए। अगर आप ये सब करते हैं तो आपको अपने गोल को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे कितनी भी मुश्किली क्यों ना आए, आप रास्ता निकाल ही लोगे। सीक्रेट 4, प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। दोस्तों, इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जिसने बिना कोई प्रॉब्लम से अपने गोल को अचीव कर लिया होगा। हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम आती है। अगर आप प्रॉब्लम की वजह से आप बैठे रहेंगे तो आपकी समस्या कभी भी हल नहीं होगी, पर अगर आप उसका सामना करते हैं तो आप उस प्रॉब्लम को पीछे छोड़ दोगे। आप जितनी चैलेंजिंग सिचुएशन में अपने आप को रखते हो, आपका उतना ही ज्यादा प्रोग्रेस होगा। आपकी लाइफ में कोई बड़ा प्रॉब्लम आया पर वो प्रॉब्लम आपको कुछ असर ना कर सका, उसका कारण ये है कि आप अपने प्रॉब्लम से भी बहुत आगे निकल चुके हो। दरअसल सत्य ये है कि हमारी लाइफ में आती प्रॉब्लम्स तो हमें कुछ नया करने के लिए मोटिवेट करती है, हमारे काम को और भी बेहतर बनाने में मदद करती है, हेल्प करती है। अगर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम बहुत बड़ी है तो हमें उसका सामना हमारे शरीर की पूरी एनर्जी, हमारा पूरा नॉलेज सब लगा के उसमें से बाहर आने के लिए उससे लड़ना होगा, उससे फाइट करनी होगी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि टू रेज न्यू क्वेश्चंस, न्यू पॉसिबिलिटी, टू रिगार्ड्स ओल्ड प्रॉब्लम्स फॉर अ न्यू एंगल रिक्वायर क्रिएटिव इमेजिनेशंस एंड मार्क्स रियल एडवांस इन साइंस। ये चार सीक्रेट को ख्याल रखना होगा और उसका लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होगा। अब मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट मनी की ब्लूप्रिंट बताने वाला हूँ कि असल में आप रिच किस मूल कारण की वजह से बनते हैं। वो रीजंस अब मैं आपको बताऊंगा। मनी ब्लूप्रिंट, सफलता कैसे मिलती है, इसका एक साइंस है। ये प्रोसेस को समझिए। सबसे पहले हम जो फाइनेंशियल प्रोग्रामिंग्स या प्लानिंग करते हैं वो हमारे थॉट्स को लीड करते हैं। हमारे थॉट्स हमारी फीलिंग को लीड करते हैं, हमारी फीलिंग हमारे एक्शन को लीड करती है और हमारा लिया गया एक्शंस ही हमें रिजल्ट देता है। इसीलिए फाइनेंशियल प्रोग्रामिंग अच्छी तरह से करें, यानी कि अपने पैसे और नॉलेज का सही तरीके से यूज करें, गलत जगह पे पैसे इन्वेस्ट मत करें। और दूसरी बात, हम सब कोई भी काम एक कंफर्ट जोन में ही करते हैं। हम डरते हैं अगर हम हमारे कंफर्ट जोन से बाहर काम करें और हमें निष्फलता मिली तो। इस वजह से हम कुछ बड़ा और कुछ हटके नहीं कर सकते हैं। अगर हमें आगे बढ़ना है, अमीर बनना है, तो हमें हमारे बनाए हुए खुद के कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। ऑथर ने इस बुक में कहा है कि हमारा कंफर्ट जोन और हमारा वेल्थ जोन इक्वल होता है। इसीलिए अपने कंफर्ट जोन को एक्सपांड करें, उससे आपका वेल्थ जोन यानी कि अपनी इनकम की साइज अपने आप ही बढ़ जाएगी। बुक समरी, फर्स्ट, कंट्रोल योर थॉट्स। सेकंड, हमारी लाइफ में जो भी होता है उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। थर्ड, सक्सेसफुल बनने के लिए हार्ड वर्क करें। फोर, प्रॉब्लम तो लाइफ में आती ही रहेगी। फाइव, पैसों का मैनेजमेंट अच्छी तरह से करें। सिक्स, हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करें। सेवन, सबसे इम्पोर्टेंट, एक्शन लीजिए। ये आइडियाज मैंने सीक्रेट्स ऑफ मिलियनर माइंड बुक में से सीखे हैं और आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप भी ये बुक पढ़ के वो सारे प्रिंसिपल्स जो आपको अमीर बनने में काम आएंगे वो जानना चाहते हो तो मैंने बुक की नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है जहाँ से आप बुक को परचेस कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस है, कोई सजेशंस है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या चैनल के डिस्कशन टैब में बताइए। अगर आप ट्विटर के जरिए कुछ क्वेश्चंस हमें पूछना चाहते हो तो हमें #AskDesireHindi और अपना क्वेश्चंस लिखकर हमें ट्वीट कर दीजिए। मैं आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। ये वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करके उनकी थिंकिंग को भी रीच बनाने में हेल्प करें। और दोस्तों, आगे भी आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो को अगर आप मिस करना नहीं चाहते हो तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।